भारत और चीन की फौजें एक मरतबा फिर जंग में आमने सामने। अमेरिका भारत के साथ जुड़ गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अफसर हुसैन और आप देख रहे हैं पाकिस्तान इन्फो वर्ल्ड। भारत और चीन की फौजें एक मरतबा फिर आमने सामने। अमेरिका ने चीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए भारत को जदीद असला फराहम कर दिया। चीनी सरहद पर एक बार फिर भारत की जानिब से जारहियत की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अमेरिका भी भारत की मदद को पहुंच गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौजी हुकाम ने बताया है कि चीनी सरहद पर तैनात भारतीय फौजियों को जदीद अमरीकी असलाह फराहम कर दिया गया है। जदीद 716 राइफल से मुसला भारतीय फौज बुलंद मकाम पर तैनात कर दिए गए हैं। गोगरा बैट में चीन से झड़प के बाद भारतीय फौजियों को जदीद दे दिया गया है। भारतीय फौजी हुकाम का कहना है कि लद्दाख और गुलवन वादी में झड़प के बाद 1.5 लाख जदीद राइफल का आर्डर दिया गया था। खेप मिलने के बाद बुलंद हरबी महाज पर फौजियों को जदीद राइफल फराहम कर दी गई हैं। भारतीय फौजी हुकाम के मुताबिक 600 राइफल की रेंज 500 मीटर है और बुलंद हरबी मुकाम पर बेहद मौसर है, जबकि अमरीकी राइफल 716 इस्तेमाल में नहायत आसान है। वाजह है कि मशरकी लद्दाख के इलाके गोगरा बाइट में एक बार फिर भारत और चीनी फौजी आमने सामने आ गए हैं। ये मिड बेल्ट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से मुतालिक फर्क चीन के दरमियान कोर कमांडर मुज़ाकरात की तकरीबन एक हफ्ते बाद पेश आई थी।